हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश और मारवाड़ी कुक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस बारिश के मौसम में हम पकोड़े हैं वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है बना सकते हैं, लेकिन आज की रेसिपी में जो मैंने पकोड़े बनाए हैं वो चावल के आटे के और चावल और आलू से बनाए हैं। तो आप इस वीडियो को है वो पूरी ज़रूर देखिए, जिससे आप ही इसी रेसिपी के अनुसार है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है वो पकोड़े बना सकें। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है चावल, जो हम रेगुलर घर पे यूज करते हैं वही चावल है। उसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से भिगो लिया था, जिससे हमारा चावल है वो एकदम सॉफ्ट अच्छे से गल जाना चाहिए। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। और साथ ही लिया हमने 3 आलू, जिसको पहले से बॉयल करके इसका छिलका है वो हमने निकाल लिया था। अब इसका एक्स्ट्रा पानी है वो चावलों का हमने निकाल लिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि मिक्सी जार है तो उसके अंदर है वो चावल को ऐड करना है, और चावल को ऐड करने के बाद में थोड़ा सा 1 से 2 छोटी चम्मच जितना पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी ऐड है वो नहीं करना, पानी हमें इतना ऐड करना है जिससे हमारा क्या एकदम स्मूथ है वो हमारा पेस्ट है वो बन जाए। इस हिसाब से 2 से 3 चम्मच है जितना आप यहाँ पर पानी ऐड करके अच्छे से एकदम फाइन है वो हमें पेस्ट बनाना है। हमें चावल को है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, एकदम स्मूथ हमारा बैटर है वो होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से हमने चलाया तो हमारा बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा चिकना और एकदम थिक और स्मूथ है वो बनकर तैयार हुआ। इसी हिसाब से हमें चावल को अच्छे से है वो पीस लेना है, और चावल अच्छे से पिस जाए उसके बाद में हम एक है बॉयल में या किसी भी बर्तन कटोरी प्लेट में आप है उसे निकाल लेना। तो इसी हिसाब से हमने वो सारे बैटर को है निकाल लिया, और आप देख सकते हो कि हमारा बैटर है वो कितना थिक और एकदम स्मूथ है। इस हिसाब से ही आपको भी चावल है वो अच्छे से पीस लेने, और यकीन मानिए इसका जो पकोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और ये थोड़ा अलग है, नॉर्मल हम बेसन दाल काफ़ी तरह के हैं वो पकोड़े बनाते हैं। उसके बाद में उसी मिक्सर जार में मैंने आलू ऐड करा है, और आलू को है इस तरह से चम्मच से हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे आलू हैं वो अच्छे से पिस जाएँ। और इस तरह से टुकड़े करके हम इसके अंदर है वो 1 से 2 टेबल स्पून जितना यहाँ पे पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसको भी एकदम अच्छे से हम पीस कर तैयार करते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको भी है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है वो अच्छे से हमारे आलू भी है वो पिस चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम चावल का जो बैटर है और आलू का जो बैटर है इन दोनों को हम करेंगे मिक्स। तो सबको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तो पहले एक ही बर्तन में दोनों को है वो निकाल लेते हैं। और अच्छे से निकालने के बाद में हम आप है वो हाथ से फेंटना चाहेंगे तो हाथ से भी फेंट सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हाथ से भी फेंट जाता है। नहीं तो फिर आप इस तरह से है कोई विस्क है वो लेकर अच्छे से फेंटना है। कम से कम हमें यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक है वो अच्छे से मिक्स करना है, फेंटना भी है, जिससे क्या होगा कि हमारे आलू और चावल का जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, और इसमें है जो एयर भी है वो बनेगी। तो हमें अच्छे से है वो फेंटते रहना है, जिससे हमारे मिक्स करना है, जिससे हमारे क्या है कि बिना इनो या बेकिंग पाउडर के भी है वो पकोड़े हमारे अच्छे से फूलेंगे। उसके बाद में ढक्कन लगाकर हमने छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ा था। और उसके बाद में यहाँ पे ऐड करा मैंने हरी मिर्ची, और अब यहाँ पे हरा धनिया, और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग है यहाँ पे हम नमक है वो ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर है वो यूज़ नहीं करा, आप यदि पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर है वो लाल मिर्ची के पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची का है वो यूज़ करा है तो मैंने लाल मिर्ची पाउडर है वो यूज़ नहीं करा है। और आप यदि तीखा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी मिर्ची। अब ये हमारा बैटर है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको तलने के लिए तेल गरम करेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल ऐड करा है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है एकदम पहले हाई फ्लेम पर है वो गर्म करने के बाद में थोड़ी सी गैस की फ्लेम है वो लो करके, और इस तरह से है वो आप पकौड़ों को है वो आराम से तल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैटर यदि पतला लग रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा है वो चावल का आटा है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका बैटर है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा।
लेकिन इस हिसाब का बैटर अगर रखोगे तो आपका पकौड़े हैं वो फूलेंगे भी अच्छे से और बहुत ही है वो शानदार बनेंगे। और जो ये छोटे छोटे जो पकौड़ी बन रही है साइड में, इसका टेस्ट है वो और ही ज़्यादा अच्छा होता है और ये और ही ज़्यादा क्रिस्पी है वो बनती हैं। तो आप अगर इस हिसाब से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा है वो यहाँ पे चावल का आटा है वो यूज कर कर उसको बैटर को है वो थोड़ा सा थिक कर सकते हो। तो इसी हिसाब से हमने वो अच्छे से गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, एकदम धीरे नहीं रखनी। अगर धीरे रखोगे तो आपके पकौड़े हैं वो तेल है वो पियेंगे एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हाई रखोगे तो ऊपर से वह वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से है वो कच्चे रह जाएंगे। और तेल अगर ठंडा रखोगे तो पकौड़े हैं वो सारा तेल है वो पियेंगे। ये बात ध्यान रखना कि तेल का हमें मीडियम ही रखना है, एकदम कभी भी लो फ्लेम पे नहीं रखना। जैसे हमने पकौड़े ऐड करे पकौड़े सीधे ऊपर आ रहे हैं और आते ही फूल कर डबल हो रहे हैं क्योंकि इसमें हमने अच्छे से फेंटा था, इस वजह से हमारे पकौड़े हैं वो अच्छे से फूल रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने वो ऐड करा है। पकौड़े बनाने में छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो आप यदि ध्यान रखोगे तो आपके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा शानदार क्रिस्पी बनेंगे और एकदम बिना ऑयली बनेंगे। तो इस हिसाब से हमने सारे पकौड़े हैं वो बना लिए हैं, अब करेंगे सर्व। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी और पुदीने की दही वाली चटनी बनाई है। आप यहाँ पे कड़ी सॉस या किसी भी तरह की चटनियों के साथ है वो आप इसे सर्व कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमारे पकौड़े हैं वो अंदर से कितने ही जालीदार स्पॉन्जी और एकदम बाहर से क्रिस्पी है लेकिन अंदर से स्पॉन्जी भी है। तो इस हिसाब से मैंने बनाए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।